स्टूडेंट्स, हमने एक्टिविटी वन एक्टिविटी नंबर टू पढ़ लिया था, ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर थ्री देखिए। टिक द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, देन रीड आउट द करेक्ट सेंटेंस। मतलब क्या होता है, हमको जो है दो बॉक्स दिया गया है ना, हर में दो बॉक्स दिया गया है, और इसमें जो है हमको जो सही है उसमें करेक्ट है उसमें हमको टिक करना है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, वी मस्ट बाइट ब्रश अवर टीथ एवरी डे। एवरी डे मतलब रोज़, हमें रोज़ जो है अपने दांत को क्या करना चाहिए, बाइट मतलब चबाना चाहिए या ब्रश करना चाहिए, तो ब्रश ना, तो हम किस में टिक कर देंगे, ब्रश में। तो वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एवरी डे मतलब हमें अपने दांतों को रोज़ ब्रश करना चाहिए। सेकेंड नंबर देखिए, वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टॉयलेट मील्स। टॉयलेट मतलब तो जानते हो, मील्स मतलब खाना खाना, तो हमें जो है खाना खाने के पहले और बाद दोनों में हैंड वॉश करना चाहिए, ठीक है। खाना खाने के पहले हम हैंड वॉश करते हैं और खाना खाने के बाद भी हम हैंड वॉश करते हैं, तो किस में आएगा, मील्स में, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, मील्स में टिक कर देंगे। उसके बाद देखिए थ्री, वी मस्ट टेक अ ब्रेड बाथ एवरी डे। रोज़ है ना, रोज़ हमें क्या करना चाहिए, ब्रेड मतलब ब्रेड लेना चाहिए या फिर बाथ मतलब नहाना चाहिए, तो एवरी डे हमें रोज़ क्या करना चाहिए, बाथ मतलब नहाना चाहिए, तो हो जाएगा वी मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे, हमें रोज़ नहाना चाहिए। फोन नंबर, वी मस्ट कॉम्ब कट अवर हेयर एवरी डे, हमें जो है अपने हेयर को रोज़ क्या करना चाहिए ना, कॉम्ब मतलब कंघी, कट मतलब काटना, तो हमें अपने हेयर को क्या करना चाहिए, कॉम्ब। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, वी मस्ट कॉम्ब अवर हेयर एवरी डे, हमें अपने हेयर को रोज़ कंघी करना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, सेंटेंस क्या बनेगा, वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एवरी डे, हमें अपने दांतों को रोज़ ब्रश करना चाहिए। वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, मील्स मतलब खाना खाना है ना, तो हमें जो है खाना खाने के बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद, खाना खाने के पहले खाना खाने के बाद दोनों में हमें हैंड वॉश करना चाहिए। वी मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे और हमें रोज़ नहाना चाहिए। वी मस्ट कम्ब अवर हेयर एवरी डे और हमें अपने हेयर को हर रोज़ कंघी करना चाहिए। तो हम किस में टिक करेंगे, इसमें ब्रश में टिक करेंगे, इसमें मिल्स में, इसमें बाथ में और इसमें कॉम्ब में। कॉम्ब मतलब कंघी है ना, तो इसका मतलब क्या है, कीपिंग क्लीन, अपने बॉडी को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी वन पढ़ाया था, एक्टिविटी टू और एक्टिविटी थ्री, तो एक्टिविटी थ्री तक के सब अपने बुक में भर लेंगे और इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे।